अनुपमा में अब बहुत ही बड़ा ट्विस्ट शो मेकर्स लेकर आने वाले हैं और वो है नंदिनी के पेरेंट्स की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, शो में नंदिनी की शादी का ट्रैक शुरू हो चुका है और कहानी किस तरह से मुड़ चुकी है और शादी में के लिए यहाँ पर माँ और वनराज शादी के बिल्कुल खराब नजर आ रहे हैं और शादी को नहीं होने देना चाहते क्योंकि ये रिश्ता ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। वनराज जहाँ काव्या से प्यार करता है, समन ने नंदिनी को चुना है और माँ नहीं चाहते कि ये शादी ये रिश्ता हो क्योंकि वनराज की शादी काव्या यानी नंदिनी की मौसी से होने वाले है तो उसकी भांजी से समर की शादी बिल्कुल नहीं हो सकती और ये रिश्ता तो उसे बिल्कुल मंजूर नहीं है। साथ में ही वनराज यहाँ पर एक और ट्रिक लगाते हुए नजर आता है और कहता है कि ये शादी इसलिए भी नहीं हो सकती उसके पेरेंट्स का तलाक हो चुका है और हम इसकी शादी समर से नहीं करवा सकते। लेकिन यहाँ पर काव्या और अनुपमा दोनों इस शादी के लिए राजी हैं और वो इस शादी को करवाना चाहते हैं। समर भी अब अपने पापा के खिलाफ जाकर इस शादी को करना चाहता है और वो नंदिनी से प्यार करता है और नंदिनी भी उससे। लेकिन अब यहाँ पर सभी तरह से रिश्ते एक तरह से उलझ चुके हैं और इसी वजह से समर नंदिनी की शादी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ नंदिनी के पेरेंट्स की एंट्री अब होगी। नंदिनी के पेरेंट्स की एंट्री से यहाँ पर कहानी पूरी तरह से पलटने वाली है। दरअसल नंदिनी के पेरेंट्स यहाँ पर इस शादी के खिलाफ होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, शादी इतनी आसानी से नहीं होने वाली। जहाँ पर वनराज और माँ भी इस शादी के खिलाफ हैं, तोसु भी इस शादी के खिलाफ है, लेकिन यहाँ पर नंदिनी के पेरेंट्स भी इस शादी के यानी कि उसके माँ मम्मी इसके साथ देने वाली है लेकिन उसके पापा इस शादी के खिलाफ होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों की एंट्री करवाई जाएगी। उनका तलाक पहले से ही हो चुका है और यहाँ पर भी वो नंदिनी के एक जना खिलाफ और एक जना साथ देते हुए नजर आएगा। यानी ये शादी इतनी आसानी से नहीं होने वाली है। देखना ये भी है कि यहाँ पर नंदिनी के जो पेरेंट्स हैं वो कितनी धमाकेदार एंट्री करते हैं और कहानी को किस तरह से बदलते हैं। वेल, यहाँ पर आप कितने एक्साइटेड हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कहानी मुड़ेगी, किस तरह जाएगी और कैसे नंदिनी के पेरेंट्स यहाँ पर एक नया ट्विस्ट लाएंगे। आपको क्या लगता है इस कहानी में और आगे क्या हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आप तक यूँ ही पहुँचाते रहेंगे आपके फेवरेट सीरियल्स की लेटेस्ट अपडेट्स।